सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्रैक स्टार्ट। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे न्यू यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला जो कि पंजाब में स्थित है, तो यहाँ से जो है आपकी स्पोर्ट्स का रिक्वायरमेंट का अपडेट आ रखा है। तो इसका रिक्वायरमेंट का जो नोटिफिकेशन है मैं आपको देता रहता हूँ। जैसे कि आपके ऑल ओवर इंडिया में जो भी गवर्नमेंट जॉब्स आती रहती है या प्राइवेट सेक्टर में स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई भी अपडेट या जॉब का रिक्वायरमेंट आती है तो इस चैनल पर डालता रहता हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है फ्यूचर में ऐसी जॉब्स की अपडेट मिलती रहे, या फिर आपको जो है स्पोर्ट्स कोर्स से रिलेटेड कुछ भी आपका स्पोर्ट्स से अपडेट आता है तो वो मैं आपको ट्राई करता हूँ कि आपको जो है मेरे चैनल के थ्रू आपको सबसे पहले पता चले। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड अपने उन दोस्तों तक शेयर करिए जो कि अपना स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको जो है थोड़ा सा नॉलेज मिले इस वीडियो के थ्रू, तो उनको प्लीज शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं स्पोर्ट्स के बारे में। तो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला से ये नोटिफिकेशन आपका जो है 8 तारीख को आ गया था, आप स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पे, या 8 फरवरी को आपका आ गया था, जिसकी क्लोजिंग डेट आपकी रहेगी 9 मार्च को आपकी रहने वाली है। इसमें कितने डिसिप्लिन रहेंगे, क्या क्या आपके जॉब क्राइटेरिया रहेगा, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा, आपकी एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड है, आपके कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी रहने वाली है, वो सब कुछ आपको कंप्लीट डिटेल आपको ये रहने वाली है वीडियो, तो जो है आप देखते रहिए आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से आपके स्पोर्ट्स इंक्लूड किए हैं। आपके टोटल इसमें 5 स्पोर्ट्स इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट जो है बास्केटबॉल ओनली फॉर मैन, फिर उसके बाद हॉकी जो कि मैन और फीमेल के लिए दोनों के लिए रहने वाला है, उसके बाद रेसलिंग फॉर मैन ओनली जो कि फ्री स्टाइल में किया जाएगा, इसके बाद आपका 5th स्पोर्ट्स आपका आता है थ्रोइंग यानी डिस्कस थ्रो, यहाँ पे दिखाया गया, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसमें जो है आपकी मैन एंड फीमेल की दोनों की वैकेंसी रहने वाली है। तो देखिए, अगर आप बास्केटबॉल मैन के लिए करते हो तो ऑलराउंडर पोजीशन के लिए मांगा गया है, यहाँ पे आप पोजीशन देख सकते हो नोटिफिकेशन में। उसके बाद हॉकी फॉरवर्ड दो आपकी जो है इसमें पोस्ट रहने वाली है फॉरवर्ड प्लेयर के लिए, मेल एंड फीमेल दो दो रहेगी आपकी, ठीक है। उसके बाद रेसलिंग की बात करते हैं तो जो 65 kg में खेला है जिन्होंने फ्री स्टाइल में, वो आप इसके लिए एप्लीकेबल है, अप्लाई कर सकते हैं। डिस्कस थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ पे 5th में, और यहाँ पे आप साइड में देखेंगे कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5, ये कैटेगरी आपको कहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी ये मैं आपको आगे बताऊंगा फॉर्म में। टोटल आपकी वैकेंसी जो रहने वाली है, आपकी 8 वैकेंसी रहने वाली है, आप यहाँ पर देख सकते हो टोटल आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी 8 है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नीचे एज क्राइटेरिया कितनी रहने वाली है आपकी। आपकी देखिए, अगर आप 18 से 25 साल की एज में हैं अभी तो आप बिल्कुल एप्लीकेबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें और इसके पोस्ट के बारे में बात करें, तो देखिए टोटल 2 पोस्ट आपकी रहने वाली है, एक टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, और एक जो रहने वाली है आपकी जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट के लिए, ठीक है। अगर आप टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो केवल आपकी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास मांगी गई है। इसके साथ में अगर आपने ITI कर रखा है तो आपको जो है इसमें आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो NCVT के थ्रू आपका अप्रूव होना चाहिए, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट बॉडी है वहां से आपको आपका ITI जो है अप्रूव्ड होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें जूनियर क्लर्क की, देन आपके अगर आप जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके जो है 12th पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, और आपकी जो है एक अच्छी आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए जो कि माना जाता है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में माना जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर किसी भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में चाहिए होता है, और 30 वर्ड पर मिनट जो है कि आपकी हिंदी में चाहिए होता है टाइपिंग स्पीड, ठीक है। थोड़ी बहुत आपको जो है कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड देखो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आप जो है एक या 1.5 महीने में आप जो है अच्छे से अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है। 35 नॉर्मल स्पीड होती है, अगर आप नॉर्मल भी टाइप करते हो तो आपकी जो है 25 to 30 आपकी स्पीड होगी नॉर्मली, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है आप जो है इसमें टाइपिंग में अच्छे हो जाओगे। बस आप जो है डेली 1-2 घंटे अगर टाइपिंग भी करोगे 35 इजीली आपकी इंग्लिश में आ जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी आपके जो स्पोर्ट्स है उसमें क्या क्या आपकी जो है सर्टिफिकेशन मांगे किस लेवल तक का। देखिए सबसे पहले जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो किसको दी जाती है, जिन्होंने कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रखा है एज अ कंट्री, या उन्होंने वर्ल्ड कप या फिर जैसे वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट कर रखा है आप जूनियर यूथ या सीनियर कैटेगरी में, या वर्ल्ड चैंपियनशिप में जिन्होंने पार्टिसिपेशन कर रखा है जूनियर सीनियर कैटेगरी में, एशियन गेम में सीनियर कैटेगरी में, तो जो कॉमनवेल्थ गेम में जिन्होंने सीनियर कैटेगरी में पार्टिसिपेशन कर रखा है वो एप्लीकेबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यूथ ओलंपिक की, ठीक है। यूथ ओलंपिक में जिन्होंने पार्टिसिपेशन करा है वो भी एप्लीकेबल है। चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी जिन्होंने की अगर पार्टिसिपेशन कर रखा है तो वो जो है एप्लीकेबल है, जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे स्पोर्ट्स की बात करें तो जो इसमें जो है पार्टिसिपेशन के, इसके नीचे जितने भी बताऊंगा ये सब पार्टिसिपेशन का नहीं होगा, इसमें आपकी जो है एटलीस्ट 3rd पोजीशन आनी चाहिए इन गेम्स के अंदर। तो जैसे कि बात करते हैं हम यहाँ पे, आप देखोगे 2nd पैरा में कि कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जूनियर और सीनियर कैटेगरी में अगर आपने 3rd प्लेस ला रखे तो आप एप्लीकेबल हो। एशियन चैंपियनशिप एशियन कप में अगर आपने 3rd पोजीशन ला रखी है तो एप्लीकेबल हो, ठीक है। इसके बाद साउथ एशियन फेडरेशन, और ये जो है USICC जो कि रेलवे वर्ल्ड रेलवे करवाती है चैंपियनशिप, उसमें अगर आपने सीनियर कैटेगरी में 3rd पोजीशन ला रखे तो आप एप्लीकेबल हो, आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। देन इसके बाद करते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में अगर आपने 3rd प्लेस ला रखे तो आप इसके लिए बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं। देन इसके बाद अगर हम बात करें, आप यहाँ पर देख सकते हो सीनियर यूथ या जूनियर आपने नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेशन के थ्रू आपने 3rd पोजीशन ला रखी है, अगर आपने 3rd पोजीशन ला रखी है नॉट पार्टिसिपेशन तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं, आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे दिया गया है
अगर आपने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के थ्रू थर्ड प्लेस ला रखी है इस चैंपियनशिप में तो आप जो है इसके लिए एप्लीकेबल हो। देन इसके बाद अगर हम बात करें ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में अगर आपकी थर्ड प्लेस है तो आप बिल्कुल इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। देन आप जो है फेडरेशन कप चैंपियनशिप में अगर आपने सीनियर कैटेगरी में खेल रखा है फर्स्ट पोजीशन ला रखी है तो आप जो है इसके लिए एप्लीकेबल हो। ठीक है, आप सबसे बड़ा डाउट ये आएगा जिन्होंने SGFI खेल रखा है या जिन्होंने सीनियर नेशनल में पार्टिसिपेशन कर रखा है, जूनियर नेशनल में पार्टिसिपेशन कर रखा है, तो वो लोग जो है इस जॉब के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो प्लीज आप जो है अपना टाइम वेस्ट ना करें, तो अगर आपकी थर्ड प्लेस है तो तभी इस पोस्ट के लिए जो है अप्लाई करिएगा आप, अदरवाइज आपकी जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है इसमें। ठीक है, देन इसके बाद अगर हम नीचे जाके बात करें या आप एक बार स्क्रीन पॉज करके पेज नंबर 3 पे देख लीजिएगा, आपने जो है एज ग्रुप के हिसाब से आपके नेम ऑफ चैंपियनशिप लिख रखा है यहाँ पे, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। देन एग्जामिनेशन फीस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका क्या रहने वाला है, आपकी जो है 500 फीस रहने वाली है ओनली फॉर मेल्स। ठीक है, अगर इसमें रिलैक्सेशन की बात करें ST SC एक्स मैन और फीमेल के लिए रहने वाले 250। और ये आपको कैसे भी फीस पेमेंट करनी होगी आप यहाँ पे देख सकते हो, पेज नंबर 3 पे यहाँ पे नोटिस दिख रखा है यहाँ पे, तो आपको कहाँ ये आप देख सकते हो ऑनलाइन अकाउंट नंबर इनका, ये देख रहे हो यहाँ पे अकाउंट नंबर है, इस अकाउंट नंबर पे आपने जो है इनके फीस पेमेंट करनी है, चालान काटना है और उसका जो है रिसिप्ट आपने एप्लीकेशन के थ्रू जब आप पोस्ट करेंगे तो उसमें फोटोकॉपी आपने लगा देनी है और एक फोटोकॉपी आप अपने पास भी रख लीजिएगा। ठीक है, IFC कोड यहाँ पे ये है। ठीक है, इसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि आपको कौन से एड्रेस पर ये भेजना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप आएंगे पेज नंबर 4 पे लाइन 6 देखेंगे आप, पॉइंट नंबर 6, तो यहाँ पर आप देखोगे ये रहा एड्रेस। ठीक है, जनरल मैनेजर पर्सनल रिक्रूटमेंट सेल रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला 144602, इस पे आपने जो है पोस्ट करना है अपना, जो आपका लेटर होगा वो आपने पोस्ट करना है और उसके ऊपर क्या लिखना है आपने, आप नीचे देखोगे 7th लाइन में रिक्रूटमेंट अगेंस्ट पोस्ट कोटा फॉर द ईयर 2022-23, इस पे आपने जो है अपना ये आपने बोल्ड लेटर में लिखना है अपने लेटर के ऊपर। ठीक है, तो आपने इसके बाद पोस्ट कर देना है और अपना चालान की जो है वो फोटोकॉपी इसमें लगा दीजिएगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या आपके लगेंगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिएगा फॉर्म, ये आपका फॉर्म है, लास्ट पेज पे आपको दिख जाएगा एक पेज का ये फॉर्म रहने वाला है आपका। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी फोटो जो है वो पेस्ट करनी है, इसके बाद आपको यहाँ पे अपने डिसिप्लिन एंड गेम लिखना है। ठीक है, कैटेगरी ऑफ पे वो आपको ऊपर दिख जाएगा नोटिफिकेशन में, जैसे कि आपने वहाँ पे दिखा होगा। ठीक है, 1900 का आपका GP रहने वाला है ग्रेड पे। देन इसके बाद अगर आप बात करते हो सेकेंड पॉइंट में प्लेइंग पोजीशन आपका यहाँ पे लिखोगे आप, जो भी आपका गेम होगा जो इन्होंने मांगा गया है तो प्लेइंग पोजीशन यहाँ पे लिखनी है। कैटेगरी कोड जो मैंने आपको ऊपर बताया था ना 1, 2, 3 वाला, वो आपने यहाँ पे लिखना है, जैसे कि बास्केटबॉल के लिए नंबर 1 था, उसके बाद हॉकी के लिए नंबर 2 था, हॉकी फीमेल के लिए नंबर 3 था, वो आपने यहाँ पे लिखना है। देन आपको इसके बाद यहाँ पे अपना नेम लिखना है, जो कि आपके 10th की मार्कशीट पे जैसा नाम होगा पूरा आपने कंप्लीट नेम लिखना है, जैसे कि सपोज दैट कि आपने जो आपका सर्टिफिकेट पे नाम है आधा नाम लिख रखा आपने, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, बट आपने सीधे नेम नहीं लिख रखा, जो आपकी मार्कशीट पे नाम होगा वही आपने एज इट इज यहाँ पे लिखना है कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद अपना नाम हिंदी में टाइप करना है आपने यहाँ पे लिखना है, देन फादर नेम लिखना है, एड्रेस आपने देना है कॉरेस्पॉन्ड एड्रेस जिस एड्रेस पे अभी आप हैं, और फिर परमानेंट एड्रेस लिखना है, अगर सेम है तो सेम ही लिखेंगे आप। ठीक है, देन इसके बाद अगर आपके पास STD लैंडलाइन नंबर है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अदरवाइज आप जो है अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखोगे। यहाँ पे आपने कास्ट लगाना है अपने, जो कि अगर आप किसी जैसे अगर जनरल से तो UG आपने यहाँ पे लिख देना है, ST SC OBC तो आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, उसकी एक कॉपी भी जो है आपने इसमें अटैच कर देनी है। देन आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, यहाँ पे दोबारा से आपने डेट ऑफ मंथ आपने डालना है, यहाँ पे जो है आपने लेटर पे लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है, जो कि आपके हायर क्वालिफिकेशन होगी कि आपकी कितनी है, आपने जो है 12th कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, देन इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे देखोगे आपने यहाँ पे क्या लिखना है, स्पोर्ट्स अचीवमेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है यहाँ पे, तो नंबर 1 पे कौन सा स्पोर्ट्स लिखना है जो कि आपका हायर होगा, अगर आपने जैसे कि सीनियर नेशनल में फर्स्ट पोजीशन ला रखे फर्स्ट सेकंड थर्ड तो वो आपने यहाँ पे लिखना है, इंटरनेशनल खेल रखा है तो आपने नंबर 1 पे लिखना है, उसके बाद उससे छोटे छोटे गेम आपने लिखना है यहाँ पे। ठीक है, देन अगर नंबर 15 में हम बात करते हैं आपने जो है फी रिसिप्ट की डिपॉजिट जो आपने मैंने बताया ना आपको जो रिसिप्ट होगी वो आपको अटैच कर देनी है, यहाँ पे टिक कर देना। देन आपको जो है यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे इंग्लिश लेटर में, इसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे जिस प्लेस से आप सेंड कर रहे हो वो आपने यहाँ पे लिख लेना है और डेट लिख देनी है जब आप सेंड कर रहे हैं, यहाँ पे अपना नाम एक बार दोबारा से लिख देना। ठीक है, हिंदी में आपको यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे जो है अपना थंब का जो है वो अंगूठा आपने लगाना है लेफ्ट हैंड का। ठीक है, लेफ्ट हैंड का थंब आपने यहाँ पे प्रिंट करना है। देन इसके बाद आपको जो है सिंपली आपको तो यहाँ पर आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैंने बना दी है, जैसे कि आपका आधार कार्ड लगेगा, कोई भी आपकी ID जो गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव होगी वैसे आधार कार्ड मस्ट है वो आप लगा सकते हो, एड्रेस प्रूफ में आप जो है अपना डोमिसाइल लगा सकते हो, जो आपका मूल निवास होगा वो उसकी आप फोटोकॉपी लगा सकते हो, एजुकेशन सर्टिफिकेशन में आपको जो है अपने 10th 12th और आपकी ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो उसकी फोटोकॉपी लगानी है आपने, स्पोर्ट्स अचीवमेंट में जो है आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट सर्टिफिकेट लगेगा जो कि आपका हायर सर्टिफिकेट होगा उसकी फोटोकॉपी लगानी है, डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी है आपने, और अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके 10th का जो होगा वो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट माना जाता है, या फिर आप जो एक एफिडेविट लगा सकते हैं। बाकी इसके बाद आपको एक 6th पॉइंट में आपको क्या है कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जो कि OBC ST SC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो अपना सर्टिफिकेट लगा सकते हैं।
पोस्ट ऑफिस जाके स्पीड पोस्ट के थ्रू आपने जो है पोस्ट कर देना है, और इसका रिप्लाई जो है आपको मेल के थ्रू मिल जाएगा या फिर आपको जो है ऑनलाइन की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन दिख जाएगी, लिस्ट आपको दिख जाएगी जो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे। उसके बाद आपको आपको आगे का प्रोसेस जो है डिपार्टमेंट के थ्रू बता दिया जाएगा, अगर आप सिलेक्टेड होते हैं आगे क्या प्रोसेस होगा, आपका एग्जाम होगा, ट्रायल होगा, क्या होगा, वो आपको जो है नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा, या फिर आप जो है चैनल पे सब्सक्राइब के थ्रू आप जो है मैं नोटिफिकेशन आपको दे दूंगा, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे, और ऐसी फ्यूचर अपडेट्स के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने और भी अदर वीडियोस बना रखे, जैसे कि आपके साई में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो कि अभी ट्रायल चल रहे हैं, या एयरफोर्स में भी ट्रायल चल रहे हैं, उसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं। तो प्लीज एक बार चैनल को विजिट कर लीजिएगा, और अगर आपके कोई काम आती है वीडियोस तो प्लीज उसको लाइक कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट।